हाय हेलो फ्रेंड, मैं हूँ हेमंत शर्मा। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पे। देखेंगे आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बीकॉम का लेके आए हैं, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का, ठीक है ना। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर लेके आए हैं, जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, ठीक है ना। इसका है बिजनेस इकोनॉमिक्स और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आज हम जो आपके लिए जो क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो लाभ पर आधारित क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है ना। लाभ पर आधारित क्वेश्चन कराने वाले हैं तो उसको देखेंगे और सभी की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपके पेपर में जो भी आने वाला है वो सभी इसमें से ही आना है, तो इसको पढ़ के जाना है और लास्ट तक पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। देखेंगे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हमारा लाभ अनिश्चितता उठाने का पुरस्कार है यही कथन है, ठीक है ना। तो यही कथन किसका है, तो जल्दी से बताएंगे। इसके चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। चार ऑप्शन दिए हैं, चार देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, सुम्पीटर का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है नाइट का, और तीसरा ऑप्शन दिया है हॉले का, और चौथा ऑप्शन दिया है जेवी क्लॉर्क का, ठीक है। तो चार ऑप्शन है, तो चार में से राइट आंसर हमारा कौन सा रहेगा उसको बताएंगे जल्दी से। जल्दी से देखेंगे राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, देख लेते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी नाइट का, ठीक है। दिया है कि लाभ अनिश्चितता का उठाने का पुरस्कार है, तो यह कथन किसका है, एक कथन नाइट का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया है लाभ पुरस्कार है, लाभ पुरस्कार है, तो किसका पुरस्कार है जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से राइट आंसर कौन सा रहेगा उसको बताएंगे। चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया हमारा पूंजी की सेवा का, बी ऑप्शन दिया है श्रमिकों की सेवाओं का, सी ऑप्शन दिया है प्रबंधकों की सेवाओं का, और डी दिया है साहसी की सेवाओं का। तो चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताएंगे। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना, जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, साहसी की सेवाओं का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा प्रोनाइट के अनुसार लाभ, ठीक है ना, प्रोनाइट के अनुसार लाभ है, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे, जो प्रोफेसर नाइट जो थे उनके अनुसार लाभ है, तो लाभ क्या है उनके अनुसार जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से देखेंगे। तो हम देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, जो राइट आंसर रहने वाला क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, अज्ञात जोखिम का पुरस्कार है, ठीक है ना। तो क्या है, प्रोफेसर नाइट के अनुसार जो है वो लाभ क्या है, अज्ञात जोखिम का पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो क्या है, राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है उसको देखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, एफ एच नाइट अपने किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, एच एफ नाइट जो है वो अपने किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या रहेगा। एच एफ नाइट, एफ एच नाइट अपने किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है ब्याज, सेकेंड ऑप्शन दिया है जनसंख्या, थर्ड दिया है लाभ, और फोर्थ दिया है लाभांश, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है उसको बताएंगे जल्दी से। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा, तो देख लेते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, लाभ के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, लाभ के लिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा।
एफ एच नाइट अपने किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, तो लाभ के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लाभ सदैव होता है, लाभ जो है वो सदैव कैसा होता है, जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर इसमें से कौन सा रहेगा, जल्दी से देखेंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका। लाभ सदैव होता है तो कैसा होता है, चार ऑप्शन दिए हैं, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से देखेंगे। तो हम देख सकते हैं इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसा होता है, लाभ हमेशा धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है, धनात्मक। ठीक है, अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है लाभ के प्रवैगिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है ना, तो लाभ के प्रवैगिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन है, जल्दी से बताएंगे। चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, चारों के नाम दिए हैं, कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन दिया है जेवी क्लार्क, तीसरा दिया है सुम्पीटर, और चौथा दिया है हॉले। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से देखेंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है ना, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, जेवी क्लार्क। जेवी क्लार्क हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दिया है लाभ के जोखिम सिद्धांत के प्रतिपादक, लाभ के जोखिम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि लाभ के जोखिम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है सुम्पीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है हॉले, तीसरा दिया है कीन्स, और चौथा दिया है जे आर हिक्स। तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से देखेंगे इसको और जल्दी से बताएंगे। तो इसमें देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी हॉले। ठीक है, हॉले हमारा राइट आंसर रहेगा, दिया है लाभ के जोखिम सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो जोखिम के कौन है, हॉले हैं। ठीक है, हॉले साइंटिस्ट थे वो हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करते रहेंगे, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारे आने वाली वीडियोस एंड नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी की सभी इस क्वेश्चंस को देखेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी, और पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक तो देखेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दिया है लाभ के नव परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है ना, लाभ के नव परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन है, चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या रहेगा इसमें से राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे। लाभ के नव परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन दिया है हमारा सुम्पीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है नाइट, तीसरा ऑप्शन दिया है मॉर्सल, और चौथा दिया है जेवी क्लॉर्क, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो हम देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सुम्पीटर, सुम्पीटर हमारा राइट आंसर रहने वाला है, दिया है लाभ के नव परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन है, सुम्पीटर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, कुल लाभ के लिए शुद्ध लाभ में क्या जोड़ा जाता है, शुद्ध लाभ, कुल लाभ के लिए शुद्ध लाभ में क्या जोड़ा जाता है, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से। कुल लाभ के लिए शुद्ध लाभ में क्या जोड़ा जाता है, जल्दी से बताएंगे। चार ऑप्शन दिए हैं देख लेंगे, ऑप्शन निहित लागतें, दूसरी दिया है प्रबंध व्यय या सामान्य लाभ, तीसरा दिया है
अब व्यक्तिगत लाभ, और चौथा दिया है इनमें से सभी, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताएंगे। तो हम देख सकते हैं, देखेंगे जब निकालते हैं कि कुल लाभ के लिए शुद्ध लाभ में क्या जोड़ा जाता है। जब शुद्ध लाभ के लिए हम देखते हैं तो शुद्ध लाभ के लिए निहित लागतें भी जोड़ी जाती हैं, ठीक है। जो लागतें लगती हैं उस पर वो लागतें भी जोड़ी जाती हैं। दूसरी बात, प्रबंध व्यय या सामान्य लाभ, ठीक है ना, व्यय कितना होता है उसके बारे में वो भी जोड़ा जाता है, और सामान्य लाभ कितना होता है वो भी जोड़ा जाता है, ठीक है ना। फिर क्या दिया है, अब व्यक्तिगत लाभ, ठीक है ना, जो लाभ होता है उसको भी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो तीनों चीजें जोड़ी जाती है, तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी, ठीक है, इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है ना, लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो किसने किया था जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से, कौन सा रहने वाला है इसका राइट आंसर बताएंगे। लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रोफेसर नाइट ने, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रोफेसर सैकिल ने, और तीसरा ऑप्शन दिया है प्रोफेसर क्रस्टीड ने, और चौथा ऑप्शन दिया है प्रोफेसर कैलडोर ने। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से देखेंगे। देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, प्रोफेसर साइकिल ने, ठीक है ना, प्रोफेसर साइकिल, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन दिया है कि लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था, प्रोफेसर साइकिल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन दिया है कि लाभ की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल प्रेरक, ठीक है ना, लाभ की पूंजीवादी व्यवस्था का मूल प्रेरक, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से देखेंगे। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। दिया है कि लाभ की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल प्रेरक कहा जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको देख लेते हैं। दिया है लाभ कितने प्रकार के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कि लाभ कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बताएंगे सभी लोग, राइट आंसर इसमें से कौन सा रहने वाला है, तो देख लेते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं लाभ, दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लाभ होता है, लाभ क्या होता है जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर बताएंगे इसका क्या रहने वाला है। चार ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है एक निर्धारित आय, दूसरा ऑप्शन दिया है निश्चित अवशेष, तीसरा ऑप्शन दिया है अनिश्चित अवशेष, और चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या रहने वाला है उसको देखेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो हम देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अनिश्चित अवशेष, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। कह रहा है लाभ होता है, तो लाभ क्या होता है, अनिश्चित अवशेष होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है सकल लाभ होता है, सकल लाभ, ठीक है ना, सकल लाभ होता है क्या होता है जल्दी से बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, सकल लाभ होता है। देख लेते हैं जो सकल लाभ होता है तो उसके कैसे होता है देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है इसका कुल आय
माइनस स्पष्ट लागते, ठीक है ना। दूसरा दिया है बी कुल आय कुल व्यय, ठीक है ना। तीसरा दिया है सी कुल आय स्पष्ट लागते, ठीक है ना। चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से राइट आंसर कौन सा रहने वाला उसको देखेंगे। देख लेते हैं, कह रहा है कि सकल लाभ होता है, तो सकल लाभ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कुल आय माइनस स्पष्ट लागते, ठीक है ना। कुल आय और स्पष्ट लागते ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ये सकल लाभ होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कुल लाभ में किन किन बातों को शामिल किया जाता है। कुल लाभ में, ठीक है ना, जब कुल लाभ निकालते हैं तो उनमें किन किन बातों को शामिल किया जाता है, तो जल्दी से देखेंगे। चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से राइट आंसर क्या रहेगा उसको बताएंगे। चार ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है हमारा साहसी की पूंजी का ब्याज, दूसरा ऑप्शन दिया है एकाधिकारी का लाभ, तीसरा दिया है शुद्ध लाभ और चौथा दिया है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा रहने वाला है उसको देखेंगे, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि दिया है कि कुल लाभ में किन किन बातों को शामिल किया जाता है, तो किन किन बातों किया जाता है, साहसी की पूंजी का ब्याज इनको भी किया जाता है, एकाधिकारी का लाभ इसको भी किया जाता है और शुद्ध लाभ इसको भी शामिल किया जाता है, ठीक है ना। तो तीनों को शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, जल्दी से बताएंगे। चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन दिया है जे आर हिक्स, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रोफेसर नाइट और चौथा ऑप्शन दिया है एफ एल वॉकर, ठीक है ना। तो चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताएंगे इसको, जल्दी से इसको बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है। देख सकते हैं इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, एफ एल वॉकर। एफ एल वॉकर ने जो है क्या किया था, लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर क्या रहने वाला है उसको देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़े मजे आने वाले हैं पूरी वीडियो में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है, तो पूरी वीडियो देखिएगा और पेपर देने से पहले जरूर पूरी वीडियो देख के जाइएगा और समझ के जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है विशुद्ध लाभ बराबर होना चाहिए, विशुद्ध लाभ बराबर होना चाहिए, तो किसके बराबर होना चाहिए जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है कुल लाभ कुल लागतें, ठीक है, ये ऑप्शन दिया है कुल लाभ अस्पष्ट लागतें, तीसरा ऑप्शन दिया है कुल लाभ स्पष्ट लागतें और चौथा ऑप्शन दिया है कुल आगत स्पष्ट व अस्पष्ट लागतें, ठीक है ना। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से देखेंगे। तो हम देख सकते हैं इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि इसमें दिया है कुल आगत इक्वल टू माइनस स्पष्ट व अस्पष्ट लागते दोनों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, कह रहा है कि विशुद्ध लाभ बराबर होता है, तो क्या होता है, कुल लागत बराबर स्पष्ट माइनस स्पष्ट व अस्पष्ट लागते, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है आपकी स्क्रीन पर, दिया है एकल लाभ के अंग हैं, एकल लाभ के अंग हैं, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से देखेंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है, एकल लाभ के अंग हैं। देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है उद्यमी को
मिलने वाले एकाधिकारी लाभ, दूसरा ऑप्शन दिया है साहसी के स्वयं साधन का प्रतिफल, तीसरा दिया है उद्यमी द्वारा प्रबंध के लिए किया गया, और चौथा दिया है उपयुक्त तो सभी। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, उसको देखेंगे राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएंगे। एकल लाभ के अंग हैं कौन से हैं, देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि ऊपर के ये तीन ऑप्शन हैं, तीनों एकल लाभ के अंग हैं, और चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है, उपयुक्त सभी। इसका मतलब ये जब तीनों सही हैं तो राइट वाला आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर क्या रहने वाला है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दीर्घकाल में साहसी सामान्य लाभ निम्न कारणों से प्राप्त करता है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से देखेंगे और जल्दी से बताएंगे। चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से राइट आंसर क्या रहेगा उसका, इसका राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताएंगे, कि दीर्घकाल में साहसी सामान्य लाभ निम्न कारणों से प्राप्त होता है, तो किससे होता है। पहला ऑप्शन दिया है हमारा सीमांत उत्पादकता से, दूसरा ऑप्शन दिया है बी कार्य दक्षता से, तीसरा ऑप्शन दिया है सी पूर्ण गतिशीलता से, और चौथा ऑप्शन दिया है डी स्थिरता से। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से देखेंगे देखेंगे इसमें जो राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना, जो राइट आंसर रहने वाला है इसका वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, प्रयोगकर्ता से। ठीक है ना, प्रयोगकर्ता से, सॉरी इस वाले का ऑप्शन नंबर सी पूर्ण गतिशीलता। ठीक है, पूर्ण गतिशीलता इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कह रहा है दीर्घकाल में साहसी सामान्य लाभ निम्न कारणों से प्राप्त करता है, तो किससे करता है, पूर्ण गतिशीलता, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, प्रोफेसर सुम्पीटर के अनुसार लाभ नवीन आविष्कारों के कारण निम्न को प्राप्त होता है, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा इसका, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। प्रोफेसर सुम्पीटर के अनुसार लाभ नवीन आविष्कारों के कारण निम्न को प्राप्त होता है, तो जल्दी से चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या रहने वाला है देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है विचारकों को, दूसरा ऑप्शन दिया है वैज्ञानिकों को, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रयोगकर्ताओं को, और चौथा ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से देखेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो हम देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ना, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, प्रयोगकर्ता। ठीक है, प्रयोगकर्ता को दिया है, क्वेश्चन दिया है प्रोफेसर सुम्पीटर के अनुसार लाभ नवीन आविष्कारों के कारण निम्न को प्राप्त होता है, तो किसको प्राप्त होता है, प्रयोगकर्ताओं को। ठीक है ना, निम्न प्रयोगकर्ताओं को प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है किस अर्थशास्त्री ने यह कहा कि लाभ जोखिम उठाने के लिए नहीं वरन अनिश्चितता को वहन करने के लिए प्राप्त होता है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से देखेंगे। दिया है, क्वेश्चन दिया है किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि लाभ जोखिम उठाने के लिए नहीं परन अनिश्चितता को वहन करने के लिए प्राप्त होता है, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से देखेंगे। चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है प्रोफेसर सुम्पीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है जेके मेहता, तीसरा ऑप्शन दिया है नाइट, और चौथा ऑप्शन दिया है एफ एल वाकर। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से राइट आंसर क्या रहने वाला है उसको देखेंगे। तो हम देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ना, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर रहने वाला है नाइट, ठीक है, नाइट ने कहा था ये बात, ठीक है ना, किसने कहा था, नाइट ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी नाइट, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, दिया है शुद्ध लाभ होता है, शुद्ध लाभ होता है, तो शुद्ध लाभ क्या होता है जल्दी से बताएंगे, चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या रहेगा इसका, राइट आंसर क्या रहने वाला है, कह रहा है शुद्ध लाभ होता है, तो देख लेते हैं शुद्ध लाभ क्या होता है, देखेंगे, पहला ऑप्शन नंबर ए दिया है कुल आय अस्पष्ट लागते हैं और स्पष्ट लागते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया है कुल आय और कुल व्यय, तीसरा ऑप्शन दिया है कुल आय स्पष्ट लागते हैं और चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त कोई नहीं, ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या रहेगा उसको देखेंगे और जल्दी से बताएंगे, दिया है शुद्ध लाभ होता है, एक बार रिपीट करवा चुके हैं ये क्वेश्चन, पहले भी आ चुका है ये, और जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, देख सकते हैं इसमें जो राइट आंसर रहेगा ना, जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दिया है कुल आय अस्पष्ट लागते हैं और स्पष्ट लागते हैं, ये दोनों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा कि शुद्ध लाभ होता है, तो शुद्ध लाभ क्या होता है कुल आय अस्पष्ट लागते हैं और स्पष्ट लागते हैं, ये हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया है लाभ के अनिश्चितता बहन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, लाभ के अनिश्चितता बहन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किसने किया था जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर क्या रहेगा, चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है मार्शल ने, दूसरा ऑप्शन दिया है सुम्पीटर ने, तीसरा ऑप्शन दिया है क्लार्क ने और चौथा ऑप्शन दिया है नाइट ने, तो किसने किया था जल्दी से राइट आंसर देंगे, राइट जवाब देंगे जल्दी से क्या रहने वाला है, तो हम देख लेते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ना, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है नाइट ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर दिया है, क्वेश्चन दिया है क्लार्क के अनुसार लाभ उत्पन्न होता है, क्लार्क के अनुसार लाभ उत्पन्न होता है, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा इसका, जल्दी से जवाब देंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, चार ऑप्शन दिए हैं, देखेंगे ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है जोखिम के कारण, दूसरा ऑप्शन दिया है अनिश्चितता के कारण, तीसरा ऑप्शन दिया है समाज के परिवर्तनों के कारण और चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से देखेंगे, तो हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया है कि क्लार्क के अनुसार लाभ उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट रहेगा, समाज के परिवर्तनों के कारण, ठीक है ना, समाज के परिवर्तनों के कारण जो है लाभ उत्पन्न होता है, किसने कहा था क्लार्क ने, ठीक है ना, क्लार्क एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो दिया है कि क्लार्क के अनुसार लाभ उत्पन्न होता है समाज के परिवर्तनों के कारण, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखेंगे, सुम्पीटर के अनुसार कौन सा नवाचार नहीं है, सुम्पीटर के अनुसार, सुम्पीटर भी जो थे वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे जो कि अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना, तो बताएंगे सुम्पीटर के अनुसार कौन सा नवाचार नहीं है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन दिया है एक नई मशीनरी का आगमन, दूसरा ऑप्शन दिया है उत्पादन की नई प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन दिया है उत्पादन की एक नई किस्म और चौथा ऑप्शन दिया है एक नया उच्च योग्य इंजीनियर, ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या रहेगा उसको देखेंगे और जल्दी से बताएंगे, जल्दी से जवाब देंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका, देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ना, जो हमारा राइट आंसर रहने वाला वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, एक नया उच्च योग्य इंजीनियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, दिया है सुम्पीटर के अनुसार कौन सा नवाचार नहीं है,
तो ये नहीं है, एक नया उच्च योग्य इंजीनियर या नवाचार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिएगा, शेयर करते रहिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारे आने वाली वीडियोस एंड नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, बड़े मजे आने वाले। पूरी वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं सभी के सभी, और सभी के सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद।